स्टार्टअप पंच BS6 ऑनेस्ट रिव्यू, जो किट हमने लगाई है मोटोजेन BS6 टाटा विथ 12 kg सिलेंडर एंड विथ ऑल एसेसरीज। देखो किट के डब्बे में चार चीज़ आता है, आपका ECM मोटोजेन में इटालियन है, रिड्यूसर भी इनका इंपोर्टेड है, इंजेक्टर भी इनका इंपोर्टेड है, असेंबल्ड होता है यहाँ पे इंपोर्टेड है, और फिलिंग वाल नेक्सॉन कैक्सॉन कंपनी से ये लेके देते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। और देखो खाली किट से गाड़ी नहीं चलता, मैं बार बार कहता हूँ, यू नीड एक्स्ट्रा पावर इन कार्स लाइक टाटा। देखो टाटा की कोई भी गाड़ी ले लो आप, टियागो, टिगोर, एल्ट्रोस, पंच, नेक्सॉन, कोई भी गाड़ी ले लो, ये गाड़ी हेवी है और इनमें सिलेंडर तीन ही है। 1200 cc होने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिलेंडर तीन है तो गाड़ी मैक्सिमम टाइम आप वाइब्रेशन मोड पे रहता है। यू नीड पावर टू इन्हेंस द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कार। ये सब गाड़ियां हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, इनमें डायनेमिक एडवांसर लगा होना चाहिए जो कि किट में नहीं आता है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ मैं लगाता हूँ सेफ्टी और परफॉर्मेंस के लिए वो सब कुछ लगा होना चाहिए। बाकी फिटिंग A1, इट टुक मी 5 years टू इंस्टॉल दिस किट, 5 hours सॉरी, एंड मज़ा आया। कैसा रहा सर फिटिंग और कैसी गाड़ी चल रही है? बहुत बढ़िया। देखो फिटिंग तो आपकी है ही अच्छी, हम आपको जानते हैं, रेफरेंस ही आए हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी आप जो वीडियो बनाते हैं वो भी देखो बहुत हेल्पफुल है, जिनको नहीं पता नॉलेज मिलती है एटलीस्ट कम से कम। बाकी फिटिंग बहुत अच्छी है और परफॉर्मेंस भी अच्छी है, पहले दूसरे गियर में जैसे धक्के मार के वाइब्रेट करके ऐसा नहीं हो रहा फील, अब गाड़ी स्मूथ है बिल्कुल। बहुत स्मूथ, जैसा मतलब आप किसके रेफरेंस है? भैया बैठे। अच्छा उनके रेफरेंस है। अच्छा, पहले से बहुत अच्छी है, बाकी ज़बरदस्त है गाड़ी। अब बस आपको ध्यान रखना है गाड़ी आपके पास है दो चीज़, अब जबकि आप इको मोड में चला रहे हो और गाड़ी A1 चल रही है बिल्कुल, अब आपको बस दो चीज़ पे ध्यान देना है, बाकी भैया आई हैं यू टर्न ले लो। बाकी मेन चीज़ है कि जब भी गाड़ी सर्विस कराओ, देखो आम मैकेनिक क्या करता है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, बस नॉर्मल चीज़ नॉर्मल, लेकिन CNG की गाड़ी में नॉर्मल नहीं चलेगा। इसके अंदर थ्रॉटल बॉडी खुलवा के साफ़ कराओ, थ्रॉटल बॉडी खुलवा के साफ़ कराओ और स्पार्क प्लग खुलवा के साफ़ कराओ। अच्छा, और कोशिश करो 15,000 से 20,000 में स्पार्क प्लग चेंज, ये दो काम कराओ भैया, कभी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, ऐसा अभी तक तो कोई आया नहीं जितने हम जानते हैं आपके पास। बढ़िया काम, बाकी नहीं कराओगे आओगे तो मैं करूँगा और क्या। सही बात, बाकी मस्त है। हाँ नहीं बिल्कुल अच्छी है, इको मोड में भी अच्छी है, किसी भी मोड में चलाओ गाड़ी A1 चलेगी। हमें पता है पंच के अंदर क्या करना चाहिए और वो चीज़ हमने की है, बाकी मस्त है। चलो थैंक यू। थैंक यू सर। सो दिस इज टाटा पंच भाई, पंच टाटा की कोई भी गाड़ी हो, टाटा की कोई भी गाड़ी हो, केवल किट और सिलेंडर लगाने से काम नहीं चलेगा, उसके अंदर सारा रिसर्च हमने कर रखा है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें लगनी चाहिए वो लगेगी तो गाड़ी A1 चलेगी। मज़ा आया भैया को, आगे भी मज़ा आएगा। और चलो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए, दिस इज़ जस्ट अ रिव्यू। वैसे मैंने पंच की फिटिंग मैंने बहुत दिखाई है, ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ अ ओनर ऑफ अ पंच। चलो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी रात को जो है 10:30 बज रहा और कर रहे हैं काम मेहनत से, सपोर्ट करो, थैंक यू।